हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बेसिकली एक फेशियल पेन सिंड्रोम है। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसके कोर्स के अंदर आपको पेन होता है। दोस्तों, ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली हमारे फेस के अंदर सेंसेशन को कंट्रोल करती है और जो मोटर कंट्रोल होता है, जैसे कि बाइटिंग और चूइंग, उस मूवमेंट को भी ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करती है। दोस्तों, बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्यों है? दोस्तों, ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर कोई कंप्रेशन आ जाए, या तो किसी ट्यूमर की वजह से या किसी ब्लड वेसल की वजह से, बहुत सारे कारण और भी होते हैं, या तो ट्राइजेमिनल नर्व का डीमाइलिनेशन होने लग जाए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस के अंदर भी आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, साथ ही अगर आपको क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन के अंदर एबनॉर्मलिटीज है उस केस में भी आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, और अगर आपको कोई बोनी एबनॉर्मलिटी है जैसे कि पैगेट्स डिजीज में होता है तो उसके कारण भी आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है। यानी कि फेस के एक साइड में एकदम सीवियर शूटिंग पेन होता है, बेसिकली कॉर्नर ऑफ माउथ से लेकर के जॉ के एंगल तक आपको एक पेन फील होता है, शूटिंग पेन फील होता है, और ये पेन ट्रिगर होता है लाइट टच से या जस्ट साउंड से भी ये पेन ट्रिगर हो जाता है, या आप ब्रश कर रहे हैं या रब कर रहे हैं या शेविंग कर रहे हैं या जस्ट आपने एक हल्का सा टच किया या कोई कोल्ड ड्रिंक पी या आप कुछ खा रहे हैं तो उससे भी ये पेन ट्रिगर होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ट्रीटमेंट के लिए कई डॉक्टर्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को दिए जाते हैं। अगर कंडीशंस वर्सन्स होती है या फिर इन मेडिकेशन से सिम्टम्स कम नहीं होते हैं तो उस केस में सर्जरी भी पेशेंट को की जाती है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है जिसमें हम कहते हैं वस्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी और साथ ही रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मोराइजोटोमी पेशेंट की मोस्ट कॉमनली की जाती है। उसके बाद गामा नाइफ सर्जरी हो गया, गामा नाइफ रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, और साथ ही ग्लिसरॉल के इंजेक्शन भी पेशेंट को लगाए जाते हैं। और दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा कारगर रहता है, जिसमें टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है, साथ ही इंटरफ्रेंशियल थेरेपी भी पेशेंट को दी जाती है और कई बार ज़रूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी पेशेंट को दी जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और साथ ही इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में। क्या आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।